के अध्यक्ष हैं श्री महेश जी ग्वालानी, सेक्रेटरी श्री सुनील जी जग्गासी, और इस आयोजन में जिनका सपोर्ट रहा कमेटी मेंबर्स महेश जी ग्वालानी, सुनील जी जग्गासी, मनोज जी भोजवानी, संजू बजाज, प्रवीण ग्वालानी, नीलेश डिंगरा, विशाल मोटवानी, अभिजीत चन्नानी, रोशन कुकरेजा, तरुण मिठाई, अमन गुरनानी, इन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों ही टीम का एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी, एलाइट इलेवन का एक अतिरिक्त खिलाड़ी, एलाइट इलेवन के कप्तान एक भेज दे, बाद में आप रिप्लेस कर सकते हैं, एक एक आ जाए रिप्लेस हो जाएगा बाद में। हेलाइट के कप्तान एक अतिरिक्त खिलाड़ी या फिर 11 में से कोई आ सकता है, रिप्लेस हो जाएगा। आगाज होता हुआ और यहाँ पर वाइट का इशारा एम्पायर का, अतिरिक्त हरीश और तरुण की जोड़ी मैदान में, हरीश स्ट्राइक पर। जिन प्लेयरों ने खाना नहीं खाया है, विशाल, विशाल मोटवानी, विशाल मोटवानी, विशाल, विशाल मोटवानी, इधर इधर, जिन प्लेयरों ने खाना नहीं खाया आपके, उनको खाना खिला दीजिए। प्रवीण ग्वालानी, प्रवीण, जिन प्लेयरों ने खाना नहीं खाया उनको भेजिए खाना खाने। मोनाको सुपर सिक्स बिली बॉर्डर स्टाइल में हमारे एम्पायर इशारा करते हुए प्रतीक, पीयूष छाबरानी एंड से सामना करेंगे हरीश। काफी अच्छी गेंद, समझ नहीं पाया हरीश, डॉट गेंद आती हुई, सलामी जोड़ी के रूप में हरीश और तरुण की जोड़ी, जिस तरह सचिन और सहवाग की जोड़ी हुआ करती थी भारत के लिए। काफी अच्छा शॉट, लेकिन सर्वो वहां पर तैनात, रन लेने का कोई मौका नहीं। देखते ना अभी, क्योंकि ये इधर तो यार याद आते तो भूल जा रहा मैं। पीयूष अमरवानी, और स्क्वायर कट लगा दिया है, गेंद जा रही है, फील्डर द्वारा काफी अच्छा एफर्ट, तारीफ करनी होगी फील्डर की, निश्चित तौर पर रन बचाए अपनी टीम के लिए। रोहित द्वारा उमदा फील्डिंग का प्रदर्शन, रोहित छाबरिया। स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से दे मारा है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार, पार्ले गोल्ड सुपर चार। काफी अच्छी गेंद, खेलना चाहते थे ऑफसाइड की दिशा में, गेंद गई बल्ले का भीतरी किनारा लेकर लेग साइड की दिशा में, फील्डर तैनात, डॉट गेंद के साथ समाप्ति होती है इस ओवर की। एक ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 14 रन, बिना कोई विकेट गवाए पहले बल्लेबाजी करती हुई एलाइट इलेवन।
14 ऑटोमेटिक अपडेट रहता है पीयूष ने एक ओवर में 14 रन दिए। हरीश व्यक्तिगत 12 रन पर खेलते हुए एक छक्का और एक चौका भी जड़ा। हरीश ने 200 के स्ट्राइक रेट से दोनों ही कप्तान ध्यान दे। 40-40 मिनट का समय है आपके पास इस मैच को पूरा करने के लिए। हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर। आनंद डिगरा के हाथों में गेंद, हल्के हाथों से खेल दिया, अपने ही फॉलो थ्रू में उम्दा फील्डिंग, रन लेने का कोई मौका नहीं। आनंद अगली गेंद लेकर वाधवानी एंड से सामना करेंगे तरुण। गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, फील्डर तैनात और अपरकट खेल दिया। गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार, पार्ले गोल सुपर चार। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, निश्चित तौर पर वाइट करार दी जाएगी। अतिरिक्त रन आता हुआ काफी अच्छी गेंद, अपनी उम्दा फील्डिंग फील्डर द्वारा। कवर ड्राइव लगाने का प्रयास। अभय भाई मोबाइल लगाया, फुल टॉस बनाकर खेल दिया लेग साइड की दिशा में, कलाइयों के सहारे। गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार, पार्ले गोल्ड सुपर चार। लेग साइड की दिशा से भटकते हुए वाइट का इशारा। हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर, हल्की सी मिसफील्ड, नतीजा दो रन चुरा लिए बल्लेबाजों ने। दो ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 26 रन। तेरह की रन गति से रन बना रहे दोनों ही बल्लेबाज। हरीश व्यक्तिगत 12 पर, तरुण मिठाई व्यक्तिगत 10 रन पर। पीयूष फिर से एक बार गेंदबाजी एंड पर, छाबरानी एंड से पीयूष ट्रिपल लाइन जैसे में। और जैसे ही मौका मिला इसे खेल दिया लेग साइड की दिशा में, मोनाको सुपर सिक्स।
काफी अच्छी गेंद नीची रही, पैरों पर जाकर टकराई डॉट के नाती हुई। पीयूष अमरवानी सामना करेंगे हरीश किहानी। पीयूष अगली गेंद लेकर छाबरानी एंड से ऑफ स्टंप के काफी बाहर, व्हाइट का इशारा एम्पायर का, अतिरिक्त रन। उठा दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद जा रही सीमा रेखा के पार, पार्ले गोल्ड सुपर चार। काफी अच्छी गेंद, हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे मोड़ दिया लेग साइड की दिशा में, फील्डर जब तक फील्ड करे। एक रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। पीयूष अमरवानी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे तरुण मिठाई। कवर ड्राइव खेल दिया है कवर्स की दिशा में, एक रन का इजाफा। काफी अच्छा स्ट्रोक, पार्ले गोल्ड सुपर चार। हिमांशु वाधवानी एंड से सामना करेंगे तरुण।
काफी अच्छा स्ट्रोक, वहां पर एक रन का इजाफा। हरीश और तरुण सलामी बल्लेबाज अभी भी पिच पर मौजूद, जिस तरह सचिन और सहवाग की जोड़ी हुआ करती थी भारत के लिए। हिमांशु छेलानी वाधवानी एंड से सामना करेंगे हरीश ज्ञानी। काफी अच्छी गेंद, सम्मान पूर्वक खेल दिया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। थर्ड गेंद, हिमांशु अगली गेंद लेकर। लेग साइड की दिशा में ऊंचा खेल दिया है, पार्ले गोल सुपर चार। डीजे वाले बाबू आवाज ही नहीं आ रही उसकी, आप जो सॉन्ग गाना बजा रहे हो थोड़ा जोर से बजाओ यार। फिर से एक बार बैटक शॉट लगा दिया है, मोनाको सुपर सिक्स। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइट करार दी जाएगी, अतिरिक्त रन ऐड होता है स्कोरबोर्ड में। हल्के हाथों से खेल दिया, रन लेने का कोई मौका नहीं, फील्डर तैनात। थर्ड गेंद, हरीश तरुण की जोड़ी पिच पर। हिमांशु अगली गेंद लेकर, वाधवानी एंड से सामना करेंगे हरीश। काफी अच्छी गेंद नीची रही, थर्ड गेंद के साथ समाप्ति होती ओवर की। चार ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 55 रन। आफ्टर फोर ओवर स्कोर इज 55 फॉर नो लॉस, बिना कोई विकेट गवाए 55 रन बना लिए लाइट इलेवन ने चार ओवर की समाप्ति पर। और अगला ओवर लेकर आ रहे कप्तान स्वयं सर्वो। सर्वो 333 की जर्सी में, रैटम और विकेट छाबरानी एंड से। स्क्वायर कट लगा दिया लेकिन फील्डर तैनात, एक रन का लेने का कोई मौका नहीं, फील्डर तैनात। सर्वो अपनी अगली गेंद लेकर। काफी अच्छी गेंद, उतना ही सम्मान पूर्वक खेल दिया तरुण ने। और काफी अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए तरुण, नीची रही। काफी
काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए सर वो अपनी टीम के लिए गेंदबाजी से वापसी दिलाते हुए अपनी टीम को लपीतुली गेंदबाजी उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए सर वो उठा दिया गेंदबाज के सर के ऊपर से काफी अच्छी फील्डिंग फाकड़े फील्डर द्वारा नतीजा एक ही रन मिल पाएगा। सर्वो राइट ऑफ द विकेट वाधवानी एंड छाबरानी एंड से सामना करेंगे हरीश। काफी अच्छी गेंद सम्मान पूर्वक टहला दिया लेग साइड की दिशा में और एक रन चुरा लिया हरीश ने। काफी अच्छी गेंद डॉट गेंद के साथ समाप्ति होती ओवर की। पांच ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 57 रन। हरीश गिहानी व्यक्तिगत 38 पर खेलते हुए तरुण मिठाई 13 रन पर 13 गेंदों का सामना किया। हरीश 17 गेंदों का सामना करके 38 रन पर पहुंच चुके हैं। चार चौके जड़ चुके हैं और तीन छक्के लगा चुके हैं अपने इस पारी में। 223 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए हरीश उनका साथ निभाते हुए तरुण राइट 11 पहले बल्लेबाजी करती हुई इसी बीच ड्रिंक्स मैदान में आती हुई आनंद वाधवानी एंड से सामना करेंगे हरीश। और खेल दिया है लेग साइड की दिशा में मोनेको सुपर सिक्स।
इस 6 रन के साथ 44 पर पहुंच चुके हैं हरीश। काफी तेज टर्न स्ट्रोक, उतनी ही उम्दा फील्डिंग हिमांशु द्वारा। एक ही रन मिल पाएगा। काफी अच्छी गेंद, खेलना चाहते थे, गेंद गई बैट का भीतरी किनारा लेकर विकेट कीपर के पास, डॉट गेंद। काफी अच्छा शॉट, उतनी ही उम्दा फील्डिंग, अच्छे क्रिकेट का प्रदर्शन करती हुई दोनों ही टीमें। फिर से एक बार यॉर्कर लेन की गेंद, रन लेना चाहते हैं तरुण, और आंखों ही आंखों में इशारा करके एक रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। छह ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 65 रन। काफी अच्छा कवर ड्राइव लगा दिया, उम्दा फील्डिंग वहां खड़े खिलाड़ी द्वारा। एक ही रन मिल पाएगा। हरीश ज्ञानी व्यक्तिगत 45 रन पर 20 रन का सामना कर व्यक्तिगत 45 पर खेलते हुए हरीश सामना करेंगे सर्वों का। काफी अच्छी गेंद, टहला दिया इसे ऑफसाइड की दिशा में, जब तक फील्डर फील करे एक रन का इजाफा। सर्वो काफी किफायती गेंदबाजी करती है अपने टीम के लिए, केवल 4 रन दिए उन्होंने। दूसरा ओवर चल रहा है सर्वो का। लेग साइड की दिशा में घुमा दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार, पार्ले गोल सुपर 4। फिर से एक बार यॉर्कर लेन की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, डॉट गेंद आती हुई। लेग साइड की दिशा से भटकते हुए व्हाइट का इशारा एम्पायर का, अतिरिक्त रन ऐड होता हुआ स्कोरबोर्ड में।
स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया है, जब तक फील्डर फील्ड करे एक रन का इजाफा। काफी अच्छी गेंद, सम्मान पूर्वक खेल दिया। इस डॉट किन के साथ समाप्ति होती है ओवर की, 7 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 73 रन, 73 आफ्टर 7 ओवर्स। और सर्वो गुरनानी ने 2 ओवर में केवल 10 रन दिए। काफी अच्छी गेंदबाजी सर्वो द्वारा। काफी अच्छी गेंद नीची रही, गेंद गई स्लिप की दिशा में। डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती है इस ओवर की। आनंद दिगड़ा वाधवानी एंड से सामना करेंगे तरुण मिठाई। उठा दिया है मोनाको सुपर सिक्स। लेवन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अभी तक 79 रन बना लिए हैं। तरुण मिठाई व्यक्तिगत 26 रन पर 22 गेंदों का सामना करके 3 चौके और 1 छक्का जोड़ चुके हैं अपने इस पारी में। काफी अच्छी गेंद आनंद द्वारा, घुमाना चाहते थे लेग साइड की दिशा में। डॉट गेंद तरुण और हरीश की सलामी जोड़ी अभी भी पिच पर मौजूद। फिर से एक बार गेंदबाज के सर के ऊपर से मोनाको सुपर सिक्स। मिड ऑफ का फील्डर जब तक फील्ड करे रन लेने का कोई मौका नहीं। डॉट गेंद आती हुई, आनंद अगली गेंद लेकर वाधवानी एंड से फुल टॉस बनाकर स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया है मोनाको सुपर सिक्स। Thank you.
आठ ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हो चुकी है 91 रन, 91 आफ्टर 8 ओवर्स। हरीश ज्ञानी और तरुण मिठाई के बीच में 91 रन की साझेदारी हो चुकी है। अगला ओवर लेकर आ रहे हैं सर्वो कप्तान। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर का, अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत होती हुई इस ओवर की। सर्वो गुरनानी और लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, बट गेंद आती। हरीश व्यक्तिगत 40 रन पर 23 गेंदों का सामना करके 4 चौके और 4 छक्के जड़ चुके। काफी अच्छी गेंद सर्वो द्वारा, कोई मौका नहीं दे रहे सर्वो बल्लेबाज को अपने हाथ खोलने का। किफायती नपितुली गेंदबाजी सर्वो द्वारा। फुल टॉस बनाकर खेल दिया है लेग साइड की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करे 1 रन का इजाफा। सर्वो गुरनानी अपनी अगली गेंद लेकर छाबरानी एंड से सामना करेंगे तरुण मिठाई। घुमाना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, नीचे रही गेंद, विकेट कीपर जब तक फील्ड करे रन लेने का कोई मौका नहीं। डॉट गेंद, किफायती गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी करते हुए सर्वो अपने टीम के लिए कप्तानी का पूरा भार उठाए हुए अपने मजबूत कंधों पर। लेग साइड की दिशा में घुमा दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार, पार्ले गोल्ड सुपर 4। उठा दिया है मोनेको सुपर 6। नौ ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हो चुकी है 103 रन, 103 रन की साझेदारी हरीश गिहानी और तरुण मिठाई के बीच में। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे दोनों ही, अभी भी पिच पर मौजूद। 9 ओवर की समाप्ति पर 103 रन बना लिए एलाइट 11 ने। हरीश गिहानी व्यक्तिगत 47 रन पर खेलते हुए 25 गेंदों का सामना किया। तरुण मिठाई व्यक्तिगत 48 रन पर खेलते हुए 29 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 4 छक्के भी लगाए उन्होंने। हरीश उठा दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर नो मैन्स लैंड पर जाकर गिरी, 1 रन का इजाफा। दोनों बल्लेबाज 48 पर पहुंच चुके हैं, 48 48।
तरुण और मोनाको सुपर सिक्स व्यक्तिगत 54 पर पहुंच चुके हैं तरुण इस छक्के के साथ 50 के पार तरुण उम्दा बल्लेबाजी विस्फोटक पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए दोनों ही बल्लेबाज विकराल रूप अपनाए हुए दोनों ही बल्लेबाज सलामी जोड़ी अभी भी पिच पर मौजूद और हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे मोड़ दिया लेग साइड की दिशा में गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार पार्ले गोल्ड सुपर चार अंतिम ओवर चलता हुआ इस पारी का हिमांशु छिलानी के रूप में हिमांशु वाधवानी एंड से सामना करेंगे तरुण लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल लिया है जब तक फील्डर फेल करे एक रन का इजाफा और ये तेज तर्रार स्ट्रोक हरीश के बल्ले से मोनाको सुपर सिक्स हरीश 50 के पार दोनों ही बल्लेबाज तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए विस्फोटक पारी खेलते हुए हरीश 54 पर पहुंच चुके हैं 27 गेंदों का सामना किया 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए उठा दिया लेग साइड की दिशा में इसी के साथ अंतिम गेंद पर पहला विकेट गिरा हरीश का एलआईटी लेवल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 121 रन बना लिए 122 रन का टारगेट है जी इलेवन को अगर ये मैच जीतना है तो सलामी जोड़ी के रूप में आए थे हरीश और तरुण 121 रन बना लिए 122 रन का टारगेट जी 11 के सामने अगर ये मुकाबला जीतना है तो आप देख रहे हैं गौरी एक्वा प्लास्ट कप प्रेजेंट्स सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 4 2022 इसके आयोजन करता है पूज्य लकड़गंज सिंधी पंचायत इस आयोजन के अध्यक्ष है श्री महेश जी वालानी सेक्रेटरी श्री सुनील जी जग्यासी और इस आयोजन में जिनका विशेष सहयोग रहा कमेटी मेंबर्स महेश जी वालानी सुनील जी जग्यासी मनोज भोजवानी संजू बजाज प्रवीण ग्वालानी नीलेश डिंगरा विशाल मोटवानी अभिजीत चन्नानी रोशन कुकरेजा तरुण मिठाई अमन गुरनानी इन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं धन्यवाद करते हैं उनके सहयोग के बिना यह आयोजन सफल नहीं हो पाता धन्यवाद डीजे मास्टर डीजे सर
लेग साइड की दिशा में खेल दिया है, पार्ले गोल सुपर चार। लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, नीचे रही गेंद डॉट गेंद। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे आए हैं करण ढिंगड़ा, पीयूष अमरवानी। फिर से एक बार लेग साइड की दिशा में खेलने का प्रयास, विशाल मिठाई पहला ओवर लेकर इस एक ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 14 रन। सुमित व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर यहां पर पहले विकेट का पतन होता हुआ पीयूष के रूप में। चौका पहली बॉल पे, फिर छक्का, फिर डॉट, फिर चौका, फिर डॉट, फिर से डॉट। जिन लोगों को हेलो, जिन लोगों को चाय पीना है वो कैंटीन से फूड कोर्ट से जाके चाय पी सकते हैं। चाय की व्यवस्था की गई है, सभी से रिक्वेस्ट है पहले चाय पी ले। सुमित ने आते ही सफलता दिलाई। स्ट्राइक पर है अमन गुरनानी, हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर, रन लेने का कोई मौका नहीं वहां पर। डॉट गेंद आती हुई, पहले ही गेंद पर सफलता दिलाई सुमित ने अपनी टीम को।
हल्के हाथों से खेल कर रन के लिए भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज। एक रन का इजाफा। सुमित मोटवानी अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे करण बिगड़ा। व्हाइट का इशारा अंपायर का। अतिरिक्त रन आता हुआ फिर से एक बार दिशा से भटकते हुए व्हाइट का इशारा एम्पायर का। अतिरिक्त रन स्क्वायर कट खेलने का प्रयास। गेंद गई स्लिप की दिशा में रन लेने का कोई मौका नहीं। फील्डर तैनात डॉट गेंद आती हुई उठा दिया है गेंदबाज के सर के ऊपर से कमेंट्री बॉक्स के ठीक पास। मोनाको सुपर सिक्स। करण व्यक्तिगत 20 रन पर केवल 8 गेंदों का सामना किया है 250 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए। दो चौके और दो छक्के जड़ दिए अपनी इस पारी में करण ने। सुमित मोटवानी अगली गेंद लेकर लेग साइड की दिशा में खेल दिया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार। पार्ले गोल्ड सुपर चार। दो ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 27 रन एक विकेट के नुकसान पर जी 11। करण व्यक्तिगत 24 रन पर खेल रहे हैं 9 गेंदों का सामना किया है 3 चौके और 2 छक्के भी लगाए 266 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए करण। उनका साथ निभा रहे अमन गुरनानी। दो और 27 रन एक विकेट के नुकसान पर। एलआईटी 11 वर्सेस जी 11 के बीच में ये मुकाबला। हल्के हाथों से खेल दिया हरीश अपने व्यक्तिगत पहले ओवर में फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग। हवा में गेंद वहां पर करण द्वारा मिसफील्ड हुई। नतीजा 2 रन का इजाफा। हरीश ज्ञानी अगली गेंद लेकर वाधवानी एंड से सामना करेंगे अमन। काफी अच्छी गेंद खेलना चाहते थे ऑफसाइड की दिशा में समझ नहीं पाए डॉट गेंद आती हुई।
लेग साइड की दिशा में घुमा दिया है और काफी खूबसूरत कैच वहां पे कड़े फील्डर द्वारा। शाम द्वारा काफी खूबसूरत कैच। हरीश ने और एक सफलता दिलाई अपनी टीम को। अमन पवेलियन में डगआउट में वापस। नए बल्लेबाज आए हैं हिमांशु, सामना करेंगे हरीश की गेंद का। एच फैक्टर आमने सामने। हल्के हाथों से खेल दिया, रन लेने का कोई मौका नहीं। टॉड गेंद आती हुई, काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए हरीश। केवल 2 रन दिए अभी तक और 1 विकेट महत्वपूर्ण छटकाई है अपने टीम के लिए। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, शरीर पर जाकर टकराई। डॉट गेंद के साथ समाप्ति होती हुई इस ओवर की। 3 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। हरीश ने जो पिछला ओवर डाला उसमें केवल 2 रन दिए और 1 विकेट भी चटकाई अपने टीम के लिए। उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन हरीश द्वारा। सुमित ओवर हो चुके हैं, 29 रन बना लिए जी 11 ने 2 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज है निक, 99 की जर्सी में, छाबरानी एंड से। सामना करेंगे करण डिंगड़ा, निखिल मोटवानी वाय हाथ के गेंदबाज। काफी अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेल दिया, 1 रन के लिए भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन का इजाफा। उठाकर खेल दिया है वहां पर, हल्की सी मिसफील्ड, कैच छिट गई हाथों से। शाम के क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है टेक कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच। निखिल अपनी अगली गेंद लेकर, काफी अच्छी गेंद नीचे रही, फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया है। जब तक फील्डर फील करे 1 रन का इजाफा। काफी अच्छी गेंद, विकेट कीपर द्वारा भी मिसफील हुई। नतीजा 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 22 के रूप में 1 रन आता हुआ। फिर से एक बार हवा में गेंद,
कवर्स के फील्डर के सर के ऊपर से एक रन का इजाफा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, चार ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 34 रन, दो विकेट के नुकसान पर G11। चार ओवर 34 रन, करण डिंगरा व्यक्तिगत 27 रन पर खेल रहे, 13 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 2 छक्के जड़े उन्होंने अपनी इस पारी में। हिमांशु और करण अभी भी पिच पर मौजूद। एनआईट 11 वर्सेस जी 11 के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ। करण सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी भी पिच पर मौजूद 9 नंबर की जर्सी में। अगला ओवर लेकर आ रहे हैं हरीश केहानी व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर वाधवानी एंड से। व्यक्तिगत दूसरा ओवर टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर हरीश। छत्तीस गेंदे शेष और 88 रन की दरकार। ऑफ स्टंप के दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन डॉट गेंद आती हुई, डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई इस ओवर की। उठाकर खेल दिया है कवर्स के सर के ऊपर से, गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार, पार्ले गोल्ड सुपर चार। काफी तेज तर्रार स्ट्रोक लगा दिया करण ने पिछली गेंद पर। फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया है, वहां पर फील्डर तैनात, काफी उम्दा फील्डिंग, एक ही रन मिल पाएगा, एक रन का इजाफा। हरीश ज्ञानी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे हिमांशु। पॉइंट के बगल से खेल दिया, जब तक फील्डर फील करे, 2 रन का इजाफा। हरीश फिर से एक बार सामने, हिमांशु एच फैक्टर आमने सामने। लेग साइड की दिशा में खेल दिया नटरा शॉट, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, पार्ले गोल्ड सुपर चार। काफी अच्छा स्ट्रोक, हल्के हाथों से खेलकर एक रन के लिए भाग पड़े। इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती है, 5 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 46 रन, 2 विकेट के नुकसान पर।
पांच ओवर की समाप्ति पर 46 रन दो विकेट के नुकसान पर। पांच ओवर समाप्त हो चुके हैं, रन संख्या 46 रन। आए हुए सभी दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। गौरी एक्वाप्लास्ट कप प्रेजेंट सिंधु प्रीमियर लीग सीजन 4 2022। आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। गेंदबाजी पर आए हैं निक 99 की जर्सी में, सामना करेंगे हिमांशु। हटकर खेलना चाहते थे, डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई इस ओवर की। लेग साइड के इशारे खेल दिया है, जब तक फील्डर फील्ड करे एक रन का इजाफा। निखिल मोटवानी छाबरानी एंड से, सामना करेंगे करण। फिर से एक बार रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद आती हुई। अपर कट खेल दिया है, इसी के साथ विकेट का पतन होता हुआ करण के रूप में। काफी अच्छा कैच पकड़ लिया वहां पर खड़े खिलाड़ी ने, बाउंड्री लाइन पर खड़े खिलाड़ी द्वारा काफी उम्दा कैच। सामना चल रहा है एलआईटी 11 वर्सेस जी 11। एलआईटी 11 ने अपनी पहली पारी में 121 रन बना लिए, 122 रन का टारगेट है जी 11 के सामने। 6 ओवर की समाप्ति पर 48 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अभी 24 गेंदे शेष है और 74 रन की दरकार जी 11 को अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए। 24 गेंदे 74 रन की दरकार। गौरी एक्वाप्लास्ट प्लास्ट कप प्रेजेंट सिंधु प्रीमियर लीग सीजन 4 2022। आयोजनकर्ता पूज्य लकड़गंज सिंधी पंचायत।
सुमित के हाथों में गेंद सौंपी है कप्तान ने। सुमित मोटवानी व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से सातवां ओवर लेकर सामना करेंगे हिमांशु छेलानी। थोड़ी देर बैठो, मैं अपने बैठता ठीक है। काफी अच्छी गेंद। बजाज इलेवन की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया। संजू जी बजाज, लेग साइड की दिशा में खेल दिया है, वहां पर कड़े फील्डर द्वारा उमदा फील्डिंग। निश्चित तौर पर कुछ रन बचाए अपनी टीम के लिए, एक ही रन से संतुष्ट। सुमित मोटवानी अगली गेंद लेकर सर्वों के लिए हवा में खेल दिया है और इसी के साथ कैच छिटकता हुआ क्रिकेट कीपर हरीश के हाथों से। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है टेक कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच। काफी बड़ा विकेट, सर्वो खतरनाक बल्लेबाज है, उतने ही उम्दा गेंदबाज सुमित सामने, एस फैक्टर आमने सामने। फिर से एक बार लेग साइड की दिशा में खेलने का प्रयास, शरीर पर जाकर टकराई, टॉट गेंद आती ही। फिर से एक बार स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार, पार ले गोल सुपर चार। काफी बड़ा मुकाबला चलता हुआ एलआईटी इलेवन वर्सेस जी इलेवन। उठा दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में और वहां पर कड़े फील्डर द्वारा काफी उम्दा कैच, इसी के साथ सर्वो के विकेट का पतन होता हुआ यहां पर। सुमित ने और एक सफलता दिलाई अपनी टीम को, नए बल्लेबाज है आनंद। एक बॉल बाकी है ना, एक बॉल बाकी है। 53 रन हो चुके हैं, 53 चार विकेट के नुकसान पर, सात ओवर की समाप्ति पर 53 रन। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल लिया है, जब तक फील्डर फील्ड करे एक रन का इजाफा। व्हाइट का इशारा, एम्पायर का अतिरिक्त रन आता हुआ। फिर से एक बार दिशा से भटकते हुए लगातार दूसरा व्हाइट, अतिरिक्त रन।
उठा दिया है हवा में, गेंद उठी गई है, गेंद के नीचे फील्डर, लेकिन वहां पर कैच मिस होता हुआ। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है टेक कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच। और गेंद जा रही है 22 के रूप में, 4 रन के लिए, पार्ले गोल्ड सुपर 4। वायरलेस की बैटरी खत्म हुई, चेंज कर वायरलेस, बैटरी चेंज कर। हुआ क्या? उठा दिया हवा में गेंद, काफी खूबसूरत कैच वहां पर मयंक द्वारा। इसी के साथ आनंद की पारी का अंत होता हुआ यहां पर 5वां झटका लगता हुआ जी 11 को। निखिल मोटवानी अगली गेंद लेकर हल्के हाथों से खेल दिया हिमांशु ने और तेजी से रन के लिए भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज। दूसरा रन सफलतापूर्वक पूरा करते हुए काफी अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट हिमांशु ने पुश किया रोहित को। निखिल मोटवानी अगली गेंद लेकर खेल दिया इसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन का इजाफा, इसे एक रन के साथ समाप्ति होती हुई ओवर की। आपका स्वागत करते हैं गौरी एक्वाप्लास्ट कप प्रेजेंट्स सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 4 2022। मैं आपका होस्ट और दोस्त अतुल आपका स्वागत करता हूं इस टूर्नामेंट में आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का, दर्शकों का, खिलाड़ियों का, आयोजकों का। गेंद है हरीश के हाथों में, हल्के हाथों से टैप कर दिया, पॉइंट के बगल से निकल गई गेंद सीमा रेखा के पार, पार्ले गोल्ड सुपर 4। आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं इस आयोजन में, इस प्रतियोगिता में। हरीश वाधवानी एंड से सामना करेंगे हिमांशु, एच फैक्टर आमने सामने। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, बैट का भीतरी किनारा लेकर विकेट कीपर के पास डॉट गेंद। और उठाकर खेलना चाहते थे वहां पर डायरेक्ट थ्रो,
नतीजा दूसरे रन के लिए भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रोहित और हिमांशु के द्वारा। लेग साइड की दिशा में खेल दिया है फील्डर, जब तक फील्ड करे एक रन का इजाफा। दूसरा रन लेना चाहते मना किया वहां पर रोहित ने। हरीश अपनी अगली गेंद लेकर वाधवानी एंड से सामना करेंगे रोहित छाबरिया और हल्के हाथों से खेलना चाहते थे। गेंद गई ऑफ साइड की दिशा में एक रन का इजाफा। लेग वाइज का इशारा एम्पायर का। काफी अच्छी गेंद बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी बीट हुए। 22 का इशारा पार्ले गोल्ड सुपर चार। हाय सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। गौरी एक्वाप्लास्ट कप प्रेजेंट सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 4 2022। मैं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। सेवेंटी सिक्स हो चुके हैं। एक लेग बॉल डालना सेवेंटी सिक्स हो चुके हैं। नौ ओवर की समाप्ति पर 76 हो चुका है चार विकेट के नुकसान पर। छह गेंदों में 40 रन की दरकार। अमन जी गुरनानी कृपया वीआईपी बॉक्स में आए। अमन गुरनानी अगला मैच स्टार 11 और बजाज 11 के बीच में है। हल्के हाथों से खेल दिया। स्टार 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। और काफी अच्छी गेंद उतनी ही उम्दा विकेट कीपिंग हरीश द्वारा। डॉट गेंद आती चार गेंदे 45 रन। काफी अच्छी गेंद पैरों पर जाकर टकराई। पार्ले गोल्ड सुपर चार। और काफी बड़ा स्ट्रोक हिमांशु के बल्ले से निकलता हुआ। मोनाको सुपर सिक्स। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। दो गेंदे शेष है और 35 रन की दरकार। गेंद गई पॉइंट की दिशा में फील्डर गेंद के पीछे। दो रन पूरे कर लिए
बल्लेबाजों ने। एक गेंद शेष और 33 रन की दरकार। और इसी के साथ यह मुकाबला जीत लिया है LIT 11 ने। वी कांग्रेचुलेट बोथ द टीम फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट एंड स्पेशल कांग्रेचुलेशंस टू LIT 11 फॉर विनिंग दिस मैच। बजाज 11 अपने बैट्समैन जल्दी उतारिए, स्टार 11 अपनी फील्डिंग जल्दी लगाइए।